आज की वीडियो में एक और टाटा की ट्रक की अनबॉक्सिंग करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला था कि और बहुत सारी टाटा की ट्रक्स खरीदने के लिए, ये लोग इस खरीद के लेके आ चुका हूँ। इसके अंदर है टाटा इंडियन ऑयल ट्रक, बहुत सारी ट्रक्स के साथ आज इसकी फाइट भी कराएंगे। यहाँ पे देखो गाइस, अपने पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आज हमारे ट्रक के साथ ये बस की फाइट कराएंगे। फ्रीट एक्सप्रेस ब्लैक कलर का ट्रक भी है मेरे पास, ये एक यूएस मिलिट्री ट्रक है, 6 व्हील ड्राइव है। और ये वाला ट्रक तो देखो यार, कितना ज्यादा बड़े साइज का। चलो गाइस फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं इसकी फाइट, देखेंगे ये ट्रक कितना ज्यादा है पावरफुल। लेट्स स्टार्ट। बहुत ज्यादा इसका वेट है, इस वजह से इसको लकड़ी के बॉक्स में पैक किया जाता है। फटाफट से इसको मैं यहाँ से अनबॉक्स कर देता हूँ। ये भी जो ट्रक है कम्प्लीटली मेटल का होने वाला है गाइस। इसके अंदर मैंने थोड़े से चेंजेस करवाए हैं, जैसे कि हम लोगों को पिछली बार जो ड्रोन का रिमोट मिला था वो मैंने हटाकर इसके अंदर फ्लाई स्काई का GT2 रिमोट लगाने के लिए बोला था, उन लोगों ने वैसे ही मेरे को लगा के दे दिया है। ये रिमोट आपको पता होगा इस कितना ज्यादा वर्सेटाइल होता है, हर एक चीज के साथ ये कंपैटिबल 2700 रुपीज में मिल जाएगा। अभी फटाफट से हमारे ट्रक को निकालते हैं बॉक्स के अंदर से। तो मैंने ये ट्रक खरीदा है इंडियन स्केल आर्ट की तरफ से। यहाँ से आप चाहे तो कोई भी RC ट्रक खरीद सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अभी निकालते हैं हमारे इंडियन ऑयल टाटा ट्रक को। ओ माय गॉड, सच में यार इसका भी वेट बहुत ज्यादा दिया गया है, कंप्लीटली मेटल की बनी हुई है। तो यहाँ पर सीढ़ियां भी दी गई यार इसके ऊपर चढ़ने के लिए। यहाँ पर इसका टैंक है, टैंक के ऊपर ये जो ढक्कन है ना यार पूरी तरीके से क्लोज करके रखे हुए हैं। यहाँ पे इंडियन ऑयल बोल के लिखा हुआ है, पीछे की तरफ भी आप देख सकते हो इंडियन ऑयल बोल के दिया गया है। और ये टेल लाइट काम भी करती है, यहाँ पे आप चाहे तो नंबर प्लेट वगैरह भी लगा सकते हो। इसकी बैटरी यहाँ पे है, बैटरी काफी ज्यादा तगड़ी दे रखी है यार इसके अंदर। देखो 2200 mAh की 7.4 volt लाइपो बैटरी दी गई है। ये इसका शाफ्ट है, शाफ्ट कम्प्लीटली मेटल का बना हुआ है। पीछे की तरफ 4 व्हील्स है, सामने की तरफ 2 व्हील्स दिए गए। यहाँ पे इसका सर्वो है, यहाँ पे इसका ESC है, यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच भी लगाया गया है। व्हील्स कम्प्लीटली रबर के इसके अंदर लगाए गए। सामने से लुक बहुत ज्यादा तगड़ा है भाई साहब, देखो कितना ज्यादा रियल टाटा ट्रक जैसा ही ये दिखाई दे रहा है। इसका मॉडल नंबर है 1613। अंदर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से हम लोग इसके डोर्स भी ओपन कर सकते हैं, अंदर कैबिन क्लियरली यहाँ से नजर आ रही है। और तो और गाइस इसके अंदर गियर नॉब भी क्लियरली नजर आ रहा है। इसकी चैसिस कम्प्लीटली मेटल की बनी हुई है। यहाँ पर इसकी हेडलाइट भी है और ये हेडलाइट काम भी करती है गाइस। सामने देखो इंजन के पास ग्रिल वगैरह भी दी गई है। और अब इस ट्रक को रखते हैं साइड में, अभी दूसरे ट्रक्स को अनबॉक्स करते हैं। तो ये लोग गाइस ये है विदेशी ऑयल टैंकर ट्रक, देखते हैं आज ये ट्रक टाटा के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं। फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी कम्प्लीटली प्लास्टिक की बनी हुई है, पर ये ट्रक भी देखो बहुत ज्यादा रियल ट्रक जैसा ही दिखाई देता है। फटाफट से इसको यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। ये 2 अलग अलग पार्ट्स में मिलता है यार। इसका सामने का इंजन अलग है और पीछे की टंकी अलग है। इसको चाहे तो हम अलग अलग तरीके से भी चला सकते हैं। रिमोट भी निकाल लेते हैं यहाँ से, ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। जायरो सेंसर इसके अंदर दिया गया है। ये ट्रक के अंदर आती है ये वाली बैटरी, पुराने जमाने की NICD बैटरी है। बैटरी बहुत ही बेकार लगती है। अभी ट्रक के बारे में बता देता हूँ। व्हील्स आप देख सकते हो यार, कितने ढेर सारे व्हील्स ये ट्रक के अंदर लगे हुए, पर ये व्हील्स बने हैं प्लास्टिक के। पीछे की तरफ यहाँ पे भी सीढ़ियां दी गई है इसके ऊपर चढ़ने के लिए। पीछे टेल लाइट वगैरह इसके अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ठीक ठाक है यार, बहुत ही मॉडर्न टाइप ट्रक के जैसा इसको बनाया गया। यहाँ पे हेडलाइट है और ये हेडलाइट काम भी करती है। अंदर की तरफ कैबिन आप देख सकते हो, स्टीयरिंग वगैरह यहाँ से नजर आ रही है। इन दोनों को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा टाटा 1610 इससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लग रहा है, बाकी लेंथ दोनों की बिल्कुल सेम टू सेम। अभी ये ब्लैक फ्रीट एक्सप्रेस RC ट्रक को अनबॉक्स करते हैं। ये बॉक्स को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यार आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो। अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो गाइस जरूर से फॉलो कर लेना। इसका पीछे का कंटेनर देखो यार, कितना ज्यादा कमाल का, और इसके अंदर भी बहुत सारे व्हील्स लगे हुए हैं। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे गुड्स वगैरह भी कैरी कर सकते हैं। अंदर भी NICD बैटरी मिलती है, ये बैटरी भी पुराने जमाने वाली है। ये है US मिलिट्री ट्रक, करके बताऊं तो क्लियरली आप देख सकते हो टाटा का इंडियन ऑयल ट्रक इसके मुकाबले में काफी ज्यादा बड़े साइज का है। तो गाइस सभी ट्रक्स और बसेस को मैंने यहाँ पे रख दिया है, अब चलते हैं बाहर, कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखते हैं गाइस आज की फाइट में कौन सी ट्रक जीतती है। चलो गाइस लेट्स गो एंड फाइट। तो यार सभी ट्रक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है और ये ट्रक्स बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा पावरफुल भी लग रहे हैं। सबसे पहले मैं टाटा के इंडियन ऑयल ट्रक को टेस्ट करने वाला हूँ, देखते हैं गाइस ये कितने अच्छे तरीके से चल पाता है। रिमोट से तो बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो चुका है, चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और ये टर्न भी बहुत आसानी से ले रहा है। इतना ज्यादा भारी भरकम ट्रक इतने अच्छे तरीके से चलेगा मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल एक रियल टाटा के इंडियन ट्रक जैसा ही दिखाई देता है। अब ये विदेशी ऑयल टैंकर ट्रक को टेस्ट करके देखते हैं। इसके दो अलग अलग पार्ट्स होने के कारण छोटे से एरिया में फटाफट तरीके से टर्न हो जाता है।
अब ये फ्रीट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टर ट्रक को टेस्ट करके देखते हैं। ये ट्रक भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इसकी लेंथ देखो यार टाटा के ट्रक से भी ज्यादा दी गई है, फिर भी इसकी कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा मस्त है क्योंकि इसके साथ हम लोगों को ये जायरो सेंसर वाली स्टीयरिंग मिली है। अब ये एसी बस को टेस्ट करके देखते हैं गाइस। ये स्टीयरिंग मेरे को एक्चुअली ये बस के साथ ही मिली थी, पर ये स्टीयरिंग दूसरे कार्स और दूसरे ट्रक्स के साथ भी कंपैटिबल है। अब रेस कराते हैं देसी वर्सेस विदेशी ऑयल टैंकर ट्रक के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। ये विदेशी ऑयल टैंकर ट्रक आगे जाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर टाटा का इंडियन ऑयल ट्रक इससे भी ज्यादा तेज है यार। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार ये टाटा का ट्रक ये विदेशी ट्रक को इतनी जल्दी हरा देगा रेस में। अब रेस कराते हैं इंडियन ऑयल के टाटा ट्रक वर्सेस फ्रीट एक्सप्रेस ट्रक के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता। ये फ्रीट एक्सप्रेस ट्रक तो कुछ ज्यादा ही तेज मेरे को लग रहा था, पर अपना इंडियन ऑयल ट्रक भी कुछ कम ही नहीं गई। देखो इसके बराबर में आ चुका है और इसको धक्का मार के साइड में कर दिया यार। तो ये टाटा ट्रक में लगा है देसी लोहा, जरा सी टक्कर में ही फ्रीट एक्सप्रेस ट्रक की हालत खराब हो रखी है। यहाँ पे फ्रीट एक्सप्रेस ट्रक वापस से आगे जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर इंडियन ऑयल ट्रक आगे निकल गया है और रेस को ये जीत भी चुका है बहुत इजीली। ओके अब रेस कराते हैं इन दोनों के बीच में। बसेस सच में बहुत स्पीड होती है ट्रक के मुकाबले में। ये बस भी आगे जाने की कोशिश कर रही थी, पर टाटा ट्रक ने इसको भी एक छोटी सी टक्कर मारी है और इसकी भी हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है। टक्कर लगने के बाद देखो यार कुछ ज्यादा ही हिलने लगी है और इसकी स्पीड भी कम हो चुकी है, और यहाँ पे इंडियन ऑयल के टाटा ट्रक ने ये रेस को भी जीत लिया है आसानी से। अब मैं ऑफ रोड में रेस कराने वाला हूँ मिलिट्री ट्रक वर्सेस टाटा ट्रक के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है ऑफ रोड में। मिलिट्री ट्रक सिक्स व्हील ड्राइव होने के कारण ऑफ रोड में बहुत आसानी से चल रहा है, वहीं अपने इंडियन ऑयल के ट्रक को थोड़ी सी परेशानी हो रही है। ऑफ रोड में इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो चुकी है, इसी बात का फायदा उठाकर यूएस मिलिट्री ट्रक ने जीत ली है रेस। आमने सामने वाली फाइट होगी देसी ट्रक वर्सेस विदेशी ट्रक के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। टाटा ट्रक ने इसको इतनी जोर से टक्कर मारी कि यार ये पूरी तरीके से हिल चुका है और ये बंद भी पड़ चुका है। मैं क्लियरली यहाँ पर टाटा ट्रक जीत चुका है पुशबैक में। आप टाटा ट्रक के साथ लड़ाई करने के लिए बस आ चुकी है, बस को भी टाटा ट्रक ने इतनी जोर से टक्कर मारी है कि बस की भी हालत खराब हो चुकी है। यहाँ पे इसके ब्रेक्स भी फेल हो चुके हैं, क्लियरली आप देख सकते हो ये टाटा ट्रक बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके सामने जो भी आ रहा है वो इसको तोड़ फोड़ रहा है पूरी तरीके से। अब फ्रीट एक्सप्रेस की टक्कर कराते हैं टाटा ट्रक के साथ, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। यहाँ पे भी टाटा ट्रक ने फ्रीट एक्सप्रेस ट्रक को इतनी जोर से टक्कर मारी कि यार नीचे गिरा दिया है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टाटा ट्रक इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अब यहाँ पे मैं तो गो फोर कराने वाला हूँ टाटा ट्रक वर्सेस आरसी मिलिट्री ट्रक के बीच में, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन जीता है। आरसी मिलिट्री ट्रक भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरे को तो लगा था कि यार दोनों के बीच में टाई हो जाएगा, पर टाटा ट्रक ने फाइनली इसको भी हरा दिया यार। इसके व्हील्स देखो यहाँ पे बहुत स्पीड से घूम रहे हैं, पर इसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही है। क्लियरली यहाँ पे भी टाटा ट्रक जीत चुका है गो फोर में। अब वेट कैरी टेस्ट करते हैं गाइस। मेरे पास यहाँ पर तीन बड़े बड़े बॉटल्स है और इसके अंदर मैंने पानी भी भर दिया है। सबसे पहले फ्रीट एक्सप्रेस को टेस्ट करके देखते हैं। इसके ऊपर मैं तीन बॉटल्स रखने वाला हूँ, देखते हैं फ्रीट एक्सप्रेस ट्रक चल पाता है या नहीं। यहाँ पे मैं इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ पे मैंने इसको उठा के भी चेक किया है, इसके व्हील्स तो घूम रहे थे पर यह पूरी तरीके से फेल हो चुका है यहाँ पर। फिर मैंने विदेशी ऑयल टैंकर ट्रक को भी टेस्ट करके देखा है, तीनों बॉटल्स रखे, ये भी बिल्कुल भी नहीं चल रहा था यार, ये भी यहाँ पे पूरी तरीके से फेल हो चुका है। फिर भाई मैंने आपने सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रक को इसके भी ऊपर मैंने तीन बॉटल्स रख दिए थे, पर सरप्राइजिंगली ये अपना टाटा का ट्रक तीनों बॉटल्स को बड़े ही आराम से लेके जा रहा था, वो भी ऑफ रोड में। नो डाउट ये ऑफ रोड में थोड़ा सा स्लो चलता है, पर देखो यार इसकी पावर बहुत ज्यादा है। फिर मैंने सबसे लास्ट में यूएस मिलिट्री ट्रक के साथ भी सेम टेस्ट करके देखा है, इसके अंदर भी तीन बॉटल्स मैंने रख दी थी। ये ट्रक भी बहुत इजीली इतना ज्यादा वेट लेके जा सकता है। अब इन सभी ट्रक्स को मैं ऑफ रोड टेस्ट कराने के लिए लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो यार बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ जमीन है। सबसे पहले मैंने विदेशी ऑयल टैंकर ट्रक को टेस्ट करके देखा, ये बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था। फिर मैंने फ्रीट एक्सप्रेस ट्रक को भी टेस्ट करके देखा है, इन सभी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होने के कारण ये चल नहीं पा रहे थे यार। इनके व्हील्स यहाँ पे स्लिप होने लग रहे थे, बस थोड़ा सा मिट्टी में चल रही थी, पर इसके सामने जैसे ही पत्थर आ चुका था ये भी रुक चुकी थी। ठीक है अब टाटा के इंडियन ऑयल ट्रक को टेस्ट करके देखते हैं ये ऑफ रोड में कैसे परफॉर्म करता है। इसके अंदर सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड दिया गया यार, इस वजह से जैसे ही पत्थर आ रहे हैं ये थोड़ा सा जंप करने लग रहा है। इसकी स्पीड भी थोड़ी सी कम हो चुकी है, पर ओवरऑल चल तो रहा है ना यार ऑफ रोड में। सबसे लास्ट में मैंने यूएस मिलिट्री ट्रक को टेस्ट करके देखा था यार, ये ट्रक तो भाई एकदम गजब की चीज है। ऑफ रोड में ये बहुत आराम से चल सकता है क्योंकि इसके अंदर है सिक्स व्हील्स और सिक्स व्हील्स के अंदर भी पावर दी गई है। तो गाइज आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये टाटा का ट्रक पसंद आया या फिर ये विदेशी ट्रक पसंद आया। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है परवेश, राम सिंह, विपिन, भव्य राज, एमडी चांद, सौमिक, वीरेंद्र, रियाज अली, रंजीत, अमर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।